يا رب لا إله إلا أنت، بك آمنت وبك اعتصمت، موعودك يا رب للذين آمنوا رحمة منك وفضل. فهيئنا لعمل ننال به كريم وعدك. छः सौ बाईस ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की मक्का में एक साजिश रची गई, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मक्का छोड़कर मदीना हिजरत की। मदीना के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार तरीक़े से स्वागत किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादातर सहाबा मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ ले गए। 623 ईस्वी में बैतुल मुकद्दस में वाक़े मस्जिद अक्सा के बजाय मुसलमानों का क़िबला खाना काबा करार पाया, जो कि मक्का मुकर्रमा में है। क़िबला यानी जिस तरफ रुख करके मुसलमान नमाज अदा करते हैं। इसी साल रोज़े भी फ़र्ज किए गए। 17 मार्च 624 ईस्वी में एक बहुत बड़ी फ़ौज मक्का से मदीना आई और बद्र के मकाम पर मुसलमानों के साथ उनकी जंग हुई, जिसमें मुसलमानों को जीत हासिल हुई। 625 ईस्वी में मदीना से बाहर ओहद के मकाम पर मुसलमान जंग हार गए। इसी जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दांत शहीद हो गए। मार्च 628 ईस्वी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के नज़दीक हुदैबिया के मकाम पर अमन के लिए शांति मुहैदा किया, जिसे कुरान करीम ने बहुत बड़ी जीत करार दिया। आज हर तरफ तालीम का चलन है। हर शख्स अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करना चाहता है, लेकिन आज से 20 साल पहले बहुत कम लोग थे जिन्होंने तालीम की अहमियत को अपने घर में जगह दी। लेकिन जिनकी निगाह बुलंद थी, वो जानते थे कि तालीम के बगैर कोई भी तरक्की मुमकिन नहीं। लिहाजा उन्होंने हर हाल में अपने बच्चों को तालीम दिलाई। जिन बच्चों में हौसला था, कुछ कर गुजरने का जज्बा था, वो कामयाबी से हमकनार हुए और आगे चलकर दूसरे तालिबे इल्मों को भी कामयाबी की राह पर गामजन किया। मोहम्मद नवाज खां उन्हीं कामयाब लोगों में से हैं जो तालिबे इल्मों को कामयाबी की राह पर चलने का हौसला देते हैं। एक 7 रुपये की डब्बी लेके आए, काले रंग की, ब्लैक कलर की, एक लकड़ी का फट्टा दिखाई दिया, उसी पे स्टडी पॉइंट नाम दे दिया। उस फट्टे पे क्लासेस शुरू करी, 1st-10। असर की नमाज के बाद कुछ लोग नमाज पढ़ने आए, एक बच्चे ने देखा कि यहाँ पे ट्यूशन सेंटर है, उसी वक्त वो ऊपर आया। मस्जिद के जस्ट सामने हम लोगों ने शुरुआत की थी,
वो ऊपर आया, उससे 250 रुपीज़ पर मंथ मिलता था, वहाँ से शुरुआत करिए, बहुत मशक्कत करिए। मोहम्मद नवाज खां जब गांव से दिल्ली आए तो ये अज़्म साथ लेकर आए कि तालीम हासिल करेंगे और कामयाब भी होंगे, लेकिन वालदैन से कोई मदद नहीं लेंगे, अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाएंगे और घर की जानिब अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं देखेंगे। कामयाब होंगे और अपनी मेहनत और अपनी ताकत से होंगे। उनकी राह में मुश्किलें आईं, परेशानियों से दो चार हुए, लेकिन अपनी मंजिल की तरफ रमा दमा रहे। शुरुआत में कुआं खोदना भी था, पानी पीना भी था, सारी स्ट्रगल खुद से ही करनी थी। शुरुआत में स्टडी पॉइंट नाम दे दिया, एक बच्चा आया उससे शुरू किया, कुछ होम ट्यूशन्स भी आए, होम ट्यूशन भी जाके पढ़ाए। याद है वो दिन जब पैदल जाकिर नगर से लेके और शाहीन बाग 8 नंबर तक हम लोग ट्यूशन फ्री पैदल पढ़ाते थे। पैसे नहीं होते थे, अर्निंग नहीं होती थी, घर वालों से लेना नहीं था, ये अहद कर लिया था कि घर वालों से ना लेंगे ना देंगे। आज तक भी घर वालों को हमारी पैसे की ज़रूरत भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। और अपना एक अहद किया था कि घर वालों से कोई हमें ऐड नहीं चाहिए, अपना आप करके दिखाएंगे। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है, घर घर जाके भी पढ़ाया है, अपने सेंटर पे भी पढ़ाया है। एक बच्चे से शुरुआत की थी, आज माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, बहुत बड़ा गैदरिंग हम लोगों के पास रहती है, या और 5 सेंटर्स हम लोगों के चल रहे हैं स्टडी पॉइंट के नाम से। इरादा यही है कि इसको कन्वर्ट कर देना है यूनिवर्सिटीज़ में, इसे कन्वर्ट कर देना है मेडिकल कॉलेज में, इसे कन्वर्ट कर देना है इंजीनियरिंग कॉलेज में। मोहम्मद नवाज खां ज़हीन तालिब इल्म थे, ज़िंदगी में जो भी फैसला किया उसे अमली जामा पहनाया, इसीलिए वो कामयाबी से हमकनार होते चले गए। ज़िंदगी में जिस समत भी वो चले, कामयाबी ने आगे बढ़कर उनके कदम चूमे। लेकिन उनको फिक्र थी उन बच्चों की जिनको वो ट्यूशन के ज़रिए एक बासलाहियत नौजवान में बदल रहे थे, ताकि वो जहाँ भी जाएँ कामयाबी से हमकनार हो। दूसरों को कामयाबी से हमकनार करना उनका शौक़ और जुनून बन गया, और यही शौक़ और जुनून करियर में तब्दील हो गया। MCM में 2000 में पास आउट किया। 2000 के में मुझको न्यूजीलैंड की एक कंपनी से भी ऑफ़र आया था कि वहाँ पर एक अच्छी कंपनी थी, सॉफ्टवेयर की कंपनी थी। हम बहुत खुश थे कि हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं। सारे काम हम लोगों ने बहुत जल्दबाजी में किए। उस टाइम पे न्यूजीलैंड की एम्बेसी की तरफ से 25 पॉइंट्स चाहिए होते थे, पहले पॉइंट सिस्टम था। अल्लाह का शुक्र है मेरे 27 पॉइंट बन रहे थे। बहुत अच्छी शुरुआत थी। 2000 में सॉफ्टवेयर का काम भी बहुत चला था। 2001 के बाद थोड़ा डाउनफॉल आया था। हमें जब जाने के 10 दिन पहले हमने वाले साहब को अपना इन्फॉर्म किया, चुप चुपाते सारे काम किए। वाले साहब को बुलाया गया, जब वाले साहब ने खाना खाया, सब कुछ फारिग हो गए, उस वक्त हमने उनको टिकट वगैरह दिखाए कि पापा मेरा सिलेक्शन न्यूजीलैंड के लिए हो गया, और इसलिए दिखाए कि खुश होंगे। पहली बार उनके ख़ानदान से, उनके गांव से, उनके कस्बे से कोई बच्चा बाहर जा रहा था। उनको शौक भी था अपनी औलाद को पाने का। इसी खुशी खुशी में हमने सारी चीज़ें छुपा उनको बाद में सरप्राइज़ देना चाहा, लेकिन जिस वक्त मैंने पापा को वो डॉक्यूमेंट्स दिए, पापा का चेहरा मुरझा गया। हम जब ही समझे कुछ ना कुछ गलत बात। पापा ने एक वर्ड यूज़ किया कि बेटे आपको डिग्री तो हिंदुस्तान ने दी, और इसको यूज़ करने के लिए कुछ पैसों की खातिर आप दूसरे मुल्क में जा रहे हैं। उसी के बाद हमने ऐलान किया कि अब हमें कहीं नहीं जाना है, हिंदुस्तान में ही रहना है। शुरुआती दौर में हम लोगों ने उस टाइम एजुकेशन के टाइम में स्टडी पॉइंट शुरू कर दिया था। उन्हीं के साथ हमारे एक बुज़ुर्ग भी आए हुए थे जिनको हम बहुत मानते हैं। उन्होंने कहा बेटे इसी को आगे चलाओ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपनी तालीमी ज़रूरतें पूरी करने और दीगर अखराजात के लिए उन्होंने तालीम को ही अपना ज़रिया बनाया। खुद पर यकीन था और अपनी सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद था। मोहम्मद नवाज खां ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इब्तिदा में जो भी परेशानी आई उसे बखुशी कबूल किया और आगे बढ़ने का अज़्म लिए। वो चलते रहे और अपनी मंजिल तक आ गए। खुदा का शुक्र है, पहले दिन से लेके और आज तक हमारे यहाँ मनी मैटर नहीं करता है, फीस जो है वो मैटर नहीं करती है।
الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا ہے جو متکبر ہوتے ہیں اور جو ناز اور فخر کے ساتھ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں, برتر سمجھتے ہیں. دیکھیے اسلامی معاشرہ ہر روز دوپہر 2 بجے صرف زی سلام پر. ناظرین آداب. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. ادبی کاکٹیل ہر بدھ شام 4 بجے صرف زی سلام پر. اگر انسان کا حوصلہ بلند ہو اور عزم میں پختگی ہو تو راستے کی ہر دشواری اس کی پریشانی کو آسان کرتی ہے. وہ مشکلوں کی پرواہ ہی نہیں کرتا, بلکہ وہ مشکلات سے یوں سلوک کرتا ہے جیسے وہ ننھے بچوں کے ساتھ تفریح کر رہا ہو. محمد نواز خان نے بھی پریشانیوں کو ایسے ہی گلے لگایا اور کامیابی کی تلاش میں چلتے رہے. جس وقت ہم لوگ اس ایریے میں آئے, یہاں پہ رہنا شروع کیا, تو جہاں پہ پہلے بہت ان نون تھے, کوئی جانتا نہیں تھا, کوئی پہچانتا نہیں تھا, مکان کرائے پہ ملنا ہی بہت مشکل تھا. 4-5 دن کی جستجو کے بعد ایک مکان کرائے پہ ملا, 4th فلور پہ مکان کرائے پہ ملا. ہم لوگ جب آئے تو بہت سخت گرمی کا ٹائم تھا, جون کے دن تھے, بہت شدت کی گرمی تھی. ٹیوشن پڑھانا شروع کیا, گھر گھر گھوم کے پڑھاتے تھے. ہم لوگ فری ہو جاتے تھے 12 بجے, 12 سے 4 تک ہم لوگ بس ٹیوشن ہی ہوتے تھے, 4 بجے کے بعد پھر ٹیوشنس ہوتے تھے. تو ہم لوگ اس روم پہ جانا پسند نہیں کرتے تھے, ٹاپ فلور تھا, برابر میں کچھ بنا ہوا نہیں تھا, اس لیے جانا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ اتنا گرم ہو جاتا تھا, اتنا ہیٹ اپ ہو جاتا تھا کہ پورے دن تو صبح سے لے کے 12 بجے تک پڑھا رہے ہو, پھر 4 بجے پھر پڑھانا ہے. کمرے میں جاؤ تو وہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے, ایک بھٹی ہو رہی ہے. تو ہم کبھی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں, کبھی کسی دوست کے پاس جا رہے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں. جب وہاں سے ٹیوشن پڑھا کے آتے تھے, اوپر چھت پہ جاتے تھے, پانی کی ٹنکی سے پانی نکال نکال کے چھت کو ٹھنڈی کرتے تھے جس سے کہ نیچے کا اسپیس تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے, دیواروں پہ پانی ڈالتے تھے. اتنا نہیں تھا کہ ہم لوگ کولر لگا سکیں, اتنا نہیں تھا کہ ہم پنکھا لگا سکیں, بہت بہت مشکلوں کے بعد. لیکن آج اللہ کا شکر ہے, آج وہ چیز اللہ کا احسان. محمد نواز خان نے اسٹڈی پوائنٹ کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد جس وقت اور جن حالات میں ڈالی تھی, اس وقت انہیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن یہ تناور درخت بن جائے گا جس کے سائے میں بیٹھنے اور اس سے فیض اٹھانے کے لیے ملک کے مختلف گوشوں سے بچے چل کر آئیں گے. لیکن محمد نواز خان خدمت خلق کی نیت سے اس ادارے کو سینچتے رہے. یہی وجہ ہے کہ آج وہ طالب علم بھی فیض اٹھا رہے ہیں جن کے پاس فیس ادا کرنے کی سہولت نہیں ہے. خدا کا شکر ہے, پہلے دن سے لے کے اور آج تک ہمارے ہاں منی میٹر نہیں کرتا ہے, فیس جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی. رکھی ضرور ہے, رکھی گئی ہے کیونکہ کچھ قاعدے قانون ہونے چاہیے اس وجہ سے. لیکن اگر بچہ پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے تو ہم 100% اسکالرشپ بھی الحمدللہ دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. ایون اگر ہاسٹلس نہیں مل رہا ہے, رومس نہیں مل رہا ہے, تو اس میں پوری سپورٹس کی جاتی ہے. کچھ اب لنک بن گئے ہیں, 10-12 سال کی اسٹینڈنگ اوکھلا کے اندر ہو گئی ہے, تو بچوں کو رومس چاہیے, تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بھائی ان کو روم دے دیجیے, تو کم سے کم اس کو رینٹ میں بھی وہ رومس اویلیبل ہو جاتا ہے. آج کی ڈیٹ میں بھی الحمدللہ یہ ہے کہ ہر بیچ کے اندر, چاہے وہ انٹرنس بیچ کا ہو یا ریگولر کلاسز کا ہو, تقریباً کم سے کم 3 یا 4, ادروائز 5-6, یا کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اگر پورا بیچ بھی ہمارا اسکالرشپ کا ہو تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی, خدا کا شکر. تو ہماری پوری کوشش رہتی ہے کہ بچوں کو سپورٹ ملے.
मोहम्मद नवाज खान बच्चों को सिर्फ ट्यूशन और कोचिंग ही नहीं फराहम करते बल्कि ज़िंदगी में कामयाब कैसे होते हैं ये राज भी बताते हैं। तालिब इल्मों की हमा जहत शख्सियत को परवान भी चढ़ाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनके अंदर खुद एतमादी पैदा करते हैं और उन्हें कामयाब करते हैं और यही उनकी ज़िंदगी का मशगला है। मतीउल्लाह नाम का एक बच्चा बिहार से आया, उसका बड़ा भाई भी मेरा स्टूडेंट था, वो MU से BTEC कर रहा था, सेकेंड ईयर में था। उसका भाई 10th करके बिहार से आया, बड़े उससे अरमान से कि सर ने हमें भी पढ़ाया था, हम भी कामयाब हो गए, इस बच्चे को भी यहाँ देते हैं तो कामयाब हो जाए। 10th करने के बाद उसने मेरे यहाँ एडमिशन कराया डिप्लोमा इंट्रेंस के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए होता है, क्योंकि आजकल हम लोगों के हालात सबको पता है, जल्द से जल्द हम लोगों को अर्निंग चाहिए होती है, घर के हालात बहुत कम हो, बहुत अल्लाह माफ़ करे। 10th करने के बाद जब उसको पहली बार जब वो हमारी क्लासरूम में गया, पहली बार जब क्लास में गया तो वो रोता हुआ वापस आया, वो घर चला गया। घर जाने के बाद अगले दिन जब क्लास होनी थी, दूसरे दिन उसके भाई फिर उसको लेके आए, सर ये तो बच्चा रो रहा है। मैंने उससे पूछा, मेरे बेटे क्यों रो रहे हो? कि सर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उसको कहा, मैंने बेटे तुम एक हफ्ते सिर्फ बैठे रहो, एक हफ्ते कुछ नहीं तुम्हें करना है, नथिंग, सिर्फ बस आओ क्लास करो चले जाओ। दूसरे दिन क्लास करी, फिर रोता हुआ आया, सर कुछ समझ में नहीं आया। उसके भाई फिर परेशान। मैंने उसको फिर यही कहा, मैंने बेटे एक हफ्ते तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, बस आते रहो जाते रहो पढ़ते रहो, जो आ रहा है समझ में बस करते रहो। मैंने बेटे वापस बिहार तो नहीं जाना है? फिर सर नहीं, वापस बिहार नहीं जाना है। मैंने फिर वापस बिहार नहीं जाना है तो तुम्हें यहीं रहना है, जितना ज़्यादा हो सकता है मैं तुम्हें टीचर्स लगाऊंगा। 3 दिन 4 दिन 5 दिन कुछ इंटरेस्ट उसका बना। उसके बाद फिर उसके भैया लेके आए कि सर इसे कुछ हिस्सा कर दो, तो कुछ अच्छा लगने लगा, इसे पढ़ने लगा है। तो फिर उसको मैंने एक नसीहत करी, मैंने बेटे कम खाना है और कम सोना है, टारगेट अचीव करना है। वो पढ़ता रहा, जब रिज़ल्ट आया उसका तो अल्लाह का शुक्र है वो MU में सेलेक्ट हुआ, जामिया में सेलेक्ट हुआ, पूसा में सेलेक्ट हुआ। मिठाई लेके आया, मिठाई का डब्बा मेरे लिए। तो उसके बाद मैंने कहा, मैंने बेटे खाया पिया करो कुछ। अब उसके जो अल्फाज थे वो सुन के मेरे आंखों में आंसू आ गए, अभी भी जब मैं सोचता हूँ तो आंसू आ जाते हैं। उसने कहा, सर आपने नसीहत की थी कम खाओ कम सो, मैंने उसी दिन से कम खाना शुरू कर दिया था, तो वो बच्चा आज कामयाब है माशाल्लाह। जामिया में उसने इंट्रेंस लिया, क्वालिफाई किया, जामिया से उसने मैकेनिकल में डिप्लोमा किया, अब जामिया से BE कर रहा है, शाम में अभी भी आ जाता है। तो वहाँ के जो बच्चे आ रहे हैं, मैं जो कह रहा था आपको, तो एक लगन होती है और वो लगन उनके लिए सारा पॉजिटिव है, उसके अलावा उनको कोई ज़रूरत ही नहीं होती। मोहम्मद नवाज खान ने एक स्टडी पॉइंट से अपना सफ़र शुरू किया था, मकसद था बच्चों को मियारी तालीम फराहम करना ताकि वो अपनी मेहनत से कुछ हासिल कर सके। वक्त के साथ मोहम्मद नवाज खान ने कई इदारों की बुनियाद डाली और आज हर इदारा गिरा कदर खिदमात अंजाम दे रहा है। हमने जब शुरुआत की थी तो यहाँ पे कोई इस तरह सेंटर नहीं होता था एजुकेशन के मैार पर, यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी और उसके मैार के कोई सेंटर इस तरह का नहीं होता था। हेल्प हर बच्चे को चाहिए होती है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो कमज़ोर हो, हर बच्चे को हेल्प की ज़रूरत होती है, एडिशनल टीचिंग की ज़रूरत होती है। इस वक्त हम लोगों ने यहाँ पे शुरुआत की स्टडी पॉइंट के नाम से, उसमें सबसे पहला हमारा टारगेट ये था कि बच्चों को किसी तरह से पढ़ाना है। यहाँ का सारा बच्चा, पास में एक जगह है अमर कॉलोनी, वहाँ पे एक हब है सेंटर्स का, ट्यूशंस का, सब बच्चा वहाँ जाता था। मेरा एक उसमें स्टूडेंट भी रहा, उस दौर का भी स्टूडेंट रहा है सलमान, तो वो मेरे पास 11th में आया था। जब वो 10th में था तो वो सुबह 4 बजे सर्दियों में वहाँ ट्यूशन लेने जाता था, सुबह 4 बजे, क्योंकि उसका कोई भी स्लॉट ऐसा नहीं था जो उसके अलावा उसको मिल पाता वहाँ पे, इतना वहाँ पे ट्यूशन हब था। तो हमारा पहला टारगेट ये था कि बच्चे को जुलेना से आगे जाने से रोकना है, कि बच्चा अगर टीचिंग करनी है तो इसी एरिया में उसको मिले। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, आज हम उस मकसद में कामयाब हैं कि आज बच्चा जामिया से बाहर नहीं जाता है। बहुत सारे सेंटर से मेरे पास नहीं आएगा, दूसरी जगह आएगा, दूसरी जगह नहीं आएगा, तीसरी जगह आएगा, लेकिन उसको यहाँ एक अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। मोहम्मद नवाज खान ने तालीम को
अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया है। हर बच्चे को तालीम से आरास्ता करना उनका ख्वाब है। मुस्लिम समाज आज तालीम के तई बेदार तो हो चुका है, लेकिन उसके पास अच्छे तालीम गाह का फुकदान है। मोहम्मद नवाज खां अच्छे तालीमी इदारों के ज़रिए इस कमी को दूर करने की जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं और तालीम के शोबे में मुल्क व कौम के लिए जो ख्वाब उन्होंने देखे हैं, इसके लिए वो 22 सद इफ्तखार है। एक हम लोगों ने वहाँ स्लोगन दिया है, बहुत लोगों ने भी सराहा उस चीज़ को, पढ़ो आगे बढ़ो। पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि आपको सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं रोकेगी, आप वर्ल्ड में कहीं भी होगे वहाँ पे काम आएगी। किसको हासिल होगी जीत और कौन होगा शिकस्त से दोचार, जानने के लिए देखिए इकरा, जल्द आ रहा है जी सलाम पर। अपना दिल तो आवारा न जाने। नगमों का शौकीन तो हर शख्स होता है, नगमे दिलों की गहराइयों में उतर जाते हैं। दिल और जहन को सुकून पहुंचाने के लिए हम मौसीकी का इस्तेमाल करते हैं। तो हर रोज देखिए मेरे साथ सदाबहार नगमे रात 10 बजे। दोस्त दोस्त सदाबहार नगमे हर रोज रात 10 बजे सिर्फ जी सलाम पर। मीरो गालिब को भी ये तर्ज सुखन देता है तू, जोश को इकबाल को ये बाकपन देता है तू। पढ़ के बिस्मिल्लाह हसत ताजीम से इकराम से इब्तदा करता हूँ अल्लाह तेरे नाम से। घबरा गए थे देख के असाबे फील को, इंसानियत के सर से जो पानी गुजर गया, कुछ लाशें चलती रह गईं। सलामी महफिल हर रोज रात 8 बजे सिर्फ जी सलाम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जिसका नाम हम ही जानते हैं दा, सारे जहां में तू हमारी जुबान है। उर्दू है जिसका नाम हर पीर शाम 4 बजे सिर्फ जी सलाम पर। मोहम्मद नवाज खां का ताल्लुक जिस गांव से है वो तालीमी मैदान में बहुत पीछे है। वहाँ आज भी लोगों के पास अच्छे स्कूल नहीं हैं ताकि वो अपने बच्चों को मेयारी तालीम दिला सके। मोहम्मद नवाज खां और उनके भाई ने इस ज़रूरत को हमेशा पेश नज़र रखा और इस इलाके को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए एक स्कूल की बुनियाद डाली। इस माहौल से मैं निकल के आया हूँ आज तक, मतलब 95 में मैंने वहाँ से निकला था, आज तक भी वही माहौल। 2011 की हम बात कर रहे हैं, 16 साल हो चुके हैं लेकिन तब्दील नहीं हुआ। जब मैं निकला था तो हमारे घर में 5 बहन भाई, हमें 5 ग्रेजुएट हैं माशाल्लाह से, 3 मेरी फैमिली में और ग्रेजुएट्स थे, तो टोटल 8 ग्रेजुएट। आज की भी अगर हम बात करते हैं 2011 की, तो तकरीबन 12 या 13 ग्रेजुएट, यानी कि 16 साल के दरमियान में सिर्फ 4 ग्रेजुएट और बड़े हैं। अब 2016 साल हो चुके हैं, 2011 चल रहा है और एक ऐसा कस्बा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर का जिसमें तकरीबन 15-16 हज़ार की आबादी हो, 8-10 हज़ार मुस्लिम आबादी हो और उसमें मुस्लिम्स के अंदर सिर्फ 8 या 10 ग्रेजुएट हों, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे एजुकेशन का क्या हाल है। तो यही सब सोचते हुए कि अल्लाह करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही बात अब एजुकेशन की होती है और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एजुकेशन चाहिए, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने, अच्छा वो ज़मीन से हम कुछ फ़ायदा भी नहीं उठा रहे हैं क्योंकि दोनों भाई हम यहाँ पे हैं, वालिद साहब ज़मीन पे मेहनत कर नहीं सकते हैं उम्र की वजह से, तो हमने सोचा सबसे अच्छा है अल्लाह करे कि अगर इसमें यहाँ स्कूल स्टार्ट हो जाए। तो ख्वाब तो बहुत बड़े हैं स्टार्टिंग स्कूल से, हमने सोचा है जैसा सर सैद साहब ने ख्वाब देखा था, तो ख्वाब तो वही हैं, अल्लाह करे कि कितना बड़ा इदारा यहाँ पे भी हो जिससे जो पूरी कम्युनिटी को और पूरे मुल्क को माशाल्लाह से फैज़ याब करे। सैटरडे संडे हम लोग जाते हैं वहाँ पे, एक छोटी सी बात आपको कहता हूँ कि जब मैं गया वहाँ पे ईद पे छुट्टी में हम लोग थे, तो मैंने वहाँ के पेरेंट्स से मालूम किया, भाई स्कूल कैसा चल रहा है, आप सेटिस्फाई हैं नहीं है? कि सर बहुत सेटिस्फाई हैं,
मैंने पूछा भाई किस बात पे आप सेटिस्फाई हैं, कि वो कह रहे हैं कि सर जब बच्चा हमारा जाता है गुड मॉर्निंग कहता है, जब बच्चा स्कूल से आता है गुड आफ्टरनून कहता है, जब खाना खाता है हाथ धो के खाता है, उसके बाद सो जाता है, फिर उठता है, फिर अपना होमवर्क लेके बैठ जाता है। पहले हमारा बच्चा जब पढ़ता था तो ना तो गुड मॉर्निंग कहता था ना गुड आफ्टरनून कहता था, आया बस्ता फेंका उसमें फिर अपना खेलने चला गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि छोटी सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया उसमें, लेकिन उनके लिए यही बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चा हमारा गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग कहने लगा, हाथ धो के खाना खाने लगा, घर में रहने लगा। तो उनके लिए यही छोटी सी सोच बहुत बड़ी है, जब बच्चा वो पढ़ेगा टेंथ पास करेगा ट्वेल्थ पास आउट करेगा या कहीं इंजीनियर डॉक्टर बनेगा तो उनके लिए क्या होगा। जब आप तामीरी काम करेंगे तो तामीरी जहन के लोग आपके साथ खुद ब खुद वाबस्ता हो जाएंगे। जब आप कदम बढ़ाएंगे तो लोग आपके साथ साथ चलेंगे। जब आप उनकी तरफ निगाह डालेंगे तो वो दुआएं देते नजर आएंगे। मोहम्मद नवाज खान ने अच्छी नीयत और नेक जज्बे के साथ चलना शुरू किया था तो आज हर तरफ से उनकी पजीराई हो रही है और लोग दुआएं दे रहे हैं। आप अच्छे काम कीजिए, लोग आपके साथ हैं। जब भी कोई हालात आए उससे ईमानदारी से लड़ना है, जुझारूपन इसी का नाम है। आप मुस्लिम्स हो, आप हिंदू हो, आप किसी भी मज़हब से मानने वाले हो, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ऊपर वाले पे भरोसा रखो। अगर आप में ऊपर वाले पे भरोसा है, आप में ईमानदारी है, आप में लगनशील है, आप में जुझारूपन है, एक दिन कामयाब ज़रूर होंगे। और उसी का नतीजा आज अल्लाह का शुक्र है, जब आए थे खाली हाथ आए थे, आज जब गांव जाते हैं तो गांव की औरतें सिरों पर हाथ रखती हैं, उनको कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक स्कूल बना के दिया है। अभी भी इरादा बहुत कुछ है इंशाल्लाह गांव के लिए करने के लिए, एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। जब घर से निकलते हैं तो वो औरतें सिर पे हाथ रखती हैं, पुचकारती हैं, शायद वो स्कूल मेरे अपना बिजनेस के लिए होगा या अपने अर्निंग के लिए होगा, लेकिन उन चीज़ों उन लोगों को एक नई सोच दिखाई दी, एक नया ख्वाब दिखाई दिया। मोहम्मद नवाज खान की मसरूफियत का हाल ये है कि वो अपना सारा वक्त तालिब इल्मों की ज़िंदगी को संवारने और उन्हें कामयाबी से हमकनार करने में सर्फ कर देते हैं, और हर साल यूं ही गुजर जाता है, वो अपने लिए नहीं बल्कि कौम के उन नौजवानों के लिए जीते हैं जो कौम और मुल्क का मुस्तकबिल है। वो तालीमी शोबे में समाजी खिदमात का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। मैं बच्चों को कहा करता हूँ कि दिल्ली में दो तरह की जिंदगियाँ हैं, एक तो बहुत रंगीन वाली ज़िंदगी है, एक बहुत मेहनत के बाद वाली ज़िंदगी है। अगर आप उस रंगीनियों में अभी से डूब जाएंगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हाँ वो हमारे लिए है लेकिन कुछ टाइम के बाद। सक्सेस हैव नो शॉर्टकट, कामयाबी कभी भी आसानी से नहीं मिलती, बहुत मेहनत के बाद बहुत मशक्क़त के बाद तब मिलती है। आज जो भी आता है वो जल्द से जल्द कामयाब होना चाहता है, और जब जल्द से जल्द कामयाब होना चाहता है तो वो सारे स्टेप भी उठाता है जो नहीं उठाने चाहिए। अब उसके लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, मेहनत करो, लगन होना चाहिए, इरादा पक्का होना चाहिए, जुझारूपन होना चाहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी, थोड़ा टाइम लगता है। अपने बच्चों को कहा करता हूँ मैं कि मर्सिडीज़ वाले जो भी अच्छा मॉडल निकाल रहे हैं वो सब हमारे लिए है, लेकिन पहले हम उस लायक हो जाएं। छोटे बच्चों को आप 1000 रुपये का नोट नहीं देंगे, अगर गलती से उसके पास चला भी जाएगा तो उससे प्यार से मोहब्बत से ये धमका के उससे ले लोगे। किस लिए? क्योंकि उसको कदर मालूम नहीं है, उसे फाड़ देगा, जला देगा, फेंक देगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको 1000 क्या, उसे लाखों के नोट भी आप दोगे कि भाई जाओ बिजनेस करो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अपना इरादा पक्का होना चाहिए, अपना कोई एम होना चाहिए, अपना कोई टारगेट होना चाहिए। अगर बिना टारगेट आप मेहनत करो तब भी कामयाब नहीं होगी। नवाज़ भाई के बारे में ख़ास तौर पे कि हमारी जवानी का भाई हमें नहीं पता, बचपना आया लेकिन बचपने के बाद शायद और शायद सीधे सीधे बुढ़बारी आ गई, सीधे सीधे मैच्योरिटी आ गई। हम दोनों भाइयों ने जवानी नहीं देखी, और उसमें भी मैं अगर आपको वाजह करूँ, नवाज़ भाई ने कभी भी मार्केट्स नहीं देखी है, कभी उन्होंने शॉपिंग नहीं करी है। शॉपिंग इसलिए नहीं करी है कि कभी अपने लिए उन्होंने मौका ही नहीं दिया रखा, अपने लिए अपने टाइम ही नहीं रखा कि कभी मैं जाके शॉपिंग करूँ, शर्ट्स लाऊँ, शूज़ लाऊँ, ये चीज़ें। हमेशा सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी में ही घिरे रहे,
तो ये चीज़ उनके अंदर बहुत बड़ी है माशाल्लाह से, कि हमेशा आप भी वो जो डिवोटेड हैं सिर्फ फैमिली के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए,